तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। एंड आज हम लोग एक ब्लॉग बनाने आए हैं, जो कि देख सकते हैं भाई, हम लोग खुटावंद में हैं और आज ये एंटोर से जाने वाले हैं। ये BS6 या 7 पता नहीं, न्यू जनरेशन है, जो कि आपका क्या कहते हैं उसको, क्या नाम है इसका, रेस एडिशन तो आता ही है, और क्या जो नाम था उसका, नाम बोल रहे हैं कहाँ गया भाई, स्मार्ट एक्स सोनिट है ये। तो आज से हम लोग ब्लॉग बनाने वाले हैं। आज ना वैसे भी बहुत दिन बाद मतलब निकल रहे राइड पर एक छोटा सा, बाकी देख सकते हैं इस लोकेशन पर अभी हम लोग हैं खुटावंद पर। हल्का फुल्का इधर दिखा देते हैं, बाकी आगे चलेंगे तो उधर भी दिखा देंगे, फिर निकलेंगे इसका थोड़ा एक राइड लेके आएंगे। बाकी गाइस चलते हैं, और ये रहा TVS एंटॉर्क। चलिए शुरू करते हैं राइड। और ये अभी शायद स्पोर्ट्स मोड में था जो हम पहले ही लगाए थे। बाकी चलते हैं, बाकी चल रहे अभी हम लोग। बाकी स्पीड तो बहुत मस्त है इसमें, 50 तो नॉर्मली चल ही जाता। देखिए ग्लव्स लेने हम भूल गए पता नहीं क्यों, अब तो भूल भी रहे बहुत ज़्यादा। और ये डबल इंडिकेटर का है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं फिलहाल पेट्रोल पंप, वहाँ पे फिर फ्यूल डलवा के निकलेंगे एक छोटे से राइड पर, और आप लोग को दिखाएंगे क्या क्या इसमें मोड दिया हुआ है। हालांकि मतलब पीछे वाला वीडियो में जो था, मतलब पहले जो बनाए थे, वो एंटॉर्क तो पुराना था वैसे, तो ये तो न्यू वाला है, BS7 ही बोल सकते हैं एक तरफ से। तो इसमें चेक करके देखते हैं कौन कौन सा मोड दिया हुआ है। हालांकि ब्लूटूथ भी इसमें दिया हुआ है, सुने करंट भी होता है उसमें, करंट होने के बाद क्या होता है नहीं होता ये मुझे पता नहीं, बाकी देखते हैं आगे। और यहाँ पे तो अभी स्वदेशी मेला जो है लगा हुआ है, हम लोग आए थे तो थोड़ा मस्ती किए थे यहाँ पे। ये तो दुर्गा पूजा से ही लगा हुआ है, अभी छठ पूजा गया फिर भी ख़त्म नहीं हुआ, लग रहा है पूरा साल लगाएगा इस बार। और आप लोग यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि फ्यूल एम्प्टी दिख रहा होगा, फ्यूल है नहीं तो अभी डलवा लेंगे हम, तेल डलवाते हैं, वो पेट्रोल पंप है गुनगुन फ्यूल, जब भी आते हैं यहीं पर डलवाते हैं। चलो और अभी हम लोग निकल गए हैं राइड पर छोटे से। भागती तो मस्त है ये, पावर भी इसमें अच्छा खासा है। और अभी जो BS6 जो फ्यूल इंजेक्शन जो डाला हुआ है FI, वो उसमें तो बहुत ज़्यादा मस्त, मतलब क्या कहते हैं इसको, बहुत मस्त पावर मतलब ऐड कर दिया हुआ है इसमें। पहले तो उतना खास पावर नहीं था कार्बोरेटर वाला में, तो अब तो बहुत अच्छा पावर है।
और यहाँ देख सकते हैं जावा शोरूम तो अब शायद नहीं, बंद हो गया, शायद नहीं रहा अब। तो गाइस हाईवे में चढ़ के वहाँ चेक करेंगे कि इसका मतलब परफॉर्मेंस क्या रहता है नहीं रहता है, तो आप लोग दिखाते हैं वहाँ जाके। वैसे तो स्कूटी हम बहुत कम ही चलाते हैं, मुझे आदत भी नहीं है स्कूटी चलाने का ज़्यादा। और आ गया हाईवे, इसमें ओवरब्रिज से चढ़ के साइड से चढ़ेंगे ऊपर और चलते हैं वहाँ ऊपर में जाके चेक करते हैं। दिखा देते हैं कि ये स्कूटी एकदम नई है, थोड़ा मोड़ा धूल लगी अलग बात है बट नई है ये, ज़्यादा देर लगभग 15-20 दिन हुआ है स्कूटी का। और देख सकते कुछ साइड लुक इसका एंड टॉर्क। सकते हैं हेलो रेसर लिखा है और इसमें देखते हैं स्पोर्ट्स मोड किस तरह आता है। राइड स्टार्ट लैप लास्ट लैप स्ट्रीट मोड और ये कहाँ गया यार, स्पोर्ट्स मोड आप लगा तो बाकी चलते हैं, हम चेक करते हैं कैसा भागती है ये। आगे पावर भी तो बहुत मस्त है इसका और ये 45 सेकेंड ये सेकेंड दिख रहा है, ये देखिए मिली सेकेंड भी दिखता है, सेकेंड भी दिखता है, मिनट भी दिखता है। तो अगर चेक करते हैं 0 to 60 कितना देर में जाता है, रुकिए एक सेकेंड यहाँ पे रुक के। तो चलिए चेक करते हैं इसका 0 to 60 कितना देर में जाता है मतलब, ठीक है 60 ही चलते हैं। चलिए देखिए सब जीरो है, मिनट मिली सेकेंड सेकेंड सब जीरो है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 सेकंड में, 7 या 8 सेकंड में ये 60 चल जाता आराम से नॉर्मल। तो अभी हम लोग रिटर्न लेते हैं यहाँ से। यहाँ पर भी चेक करते हैं, चलिए ट्राई करते हैं यहाँ पर भी एक बार कैसा रहता है परफॉर्मेंस फिर से। तो चलिए चेक करते हैं इसका 1 2 3 0 to 70 4 सेकेंड 6 सेकेंड 7 सेकेंड 8 सेकेंड 9 10 11 12 13 14 पक्का 15 सेकंड में 70 जाती है, पक्का 15 सेकंड में, मतलब 0 to 70 पक्का 15 सेकंड में ही चली जाती है। तो जैसा कि गाइस आप लोगों ने देखा कि इसका BS7 में मतलब कैसा पावर था इसमें, मुझे तो बहुत अच्छा पावर लगा इसका। बाकी मिलते हैं गाइस अगले ब्लॉग पर और वीडियो आप लोग पूरा देखें। बाकी धन्यवाद गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।